हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग. आई एम संजय भटनागर. दिस साइड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद संजय भटनागर. दो में आगे जाके और बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, लेकिन अभी मेरा जो चैनल है वो टोटली इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के कोर्स को, क्योंकि मैंने चैनल बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, आई थिंक इट्स लाइक 15 डेज, और मैं बहुत सारे चैप्टर्स पे बहुत सारी वीडियोज़ लोड कर चुका हूँ. आई होप आपको पसंद आएंगी. जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपका कोर्स खत्म होता जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. आपसे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितनी वीडियोस देखते हैं उसको जरूर लाइक करें. मैं आपको आज कराने जा रहा हूं इनकम डिटरमिनेशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. मतलब अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स कर लिए तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इनकम डिटरमिनेशन का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे. सिर्फ आपको जितनी देर की भी वीडियो और क्लास होगी उतनी देर आपको पेशेंस से वीडियो चेक करनी है और बहुत ध्यान से फॉलो करें. जो स्टेप्स में बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर यू. एंड आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट दैट यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड. आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. तो उसका जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसको हम 1/(1-MPC) भी लिखते हैं. और इसका एक फॉर्मूला और है 1/(1MPS). मतलब हम मल्टीप्लायर को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को तीन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1/(1-MPC) और 1/(MPS). आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ को एक फॉर्मूला याद करके चले जाएं कि यार एक फॉर्मूला याद करके हो जाएगा. नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. आपको कई बार न्यूमेरिकल में कैसे वैल्यू दिया जाएगा, आपको डेल्टा आई दे देंगे और आपको कुछ डेल्टा वाई और आपको एमपीएस निकालने के लिए बोला जाएगा, या इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दे दी आपको इनमें से कोई वैल्यू निकालने के लिए बोली जाएगी. तो आप वो वैल्यूज तभी निकाल पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूला के बीच का रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा. तो दूसरा फॉर्मूला वो है AD इज इक्वल टू C+I. मैंने आपको पहले बताया था कि हम सिर्फ दो सेक्टर को एज्यूम करके चलते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता है हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहती है फर्म्स. सो AD इज इक्वल टू C+I. तो तीसरा फॉर्मूला हुआ है AS इज इक्वल टू C+S. हम एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी लिखते हैं. तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. किसी भी इंडिविजुअल ने अगर 100 रुपये कमाए, कंजम्पशन पे 60 रुपीज़ खर्च करें, तो ऑब्वियसली कि वो सिर्फ 40 रुपीज़ सेव करें, तो 60+40 हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा. जो फोर्थ फॉर्मूला हुआ है C इज इक्वल टू C+PY. मेरी कंजम्पशन वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं. C-bar होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच हैज़ टू बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम. इनकम हो या नहीं हो, एक मिनिमम कंजम्पशन जरूर होता है. B हमारा होता है MPC, Y होता है इनकम. मतलब अगर हम BY को इकट्ठा करके काउंट करें तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन. जब आप ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को प्लस करोगे आपके पास पूरा कंजम्पशन आएगा. हम कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं. ये जो C-bar है ये हमारा हो जाएगा डिससेविंग का रीजन, क्योंकि शुरू में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव में जाती है. B MPC था तो 1-B हमारे पास हो जाएगा MPS. तो जब MPS को इनकम से मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसमें नेगेटिव सेविंग प्लस करोगे आपके पास पूरा सेविंग आ जाएगा. ये हमारा है सेविंग फंक्शन. अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इकोनॉमी में जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो उसको हम दो अप्रोचेस से मेजर करते हैं. एक है ADS अप्रोच, एक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. अब यहाँ पे हम ADS अप्रोच की बात कर रहे हैं. भाई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में मतलब AD और AS बराबर है. AD को हम C+I लिखते हैं, AS को हम C+S लिखते हैं और Y भी लिखते हैं, हम उसको इनकम भी लिखते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम AD की जगह पे C+I लिख देते हैं जो ये आ गया, और एग्रीगेट सप्लाई की जगह हम Y लिख देते हैं जो ये आ गया, सो Y इज इक्वल टू C+I. कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सब AD C+I है और Y भी C+I है, बट दिस Y इज इक्वल टू C+I विल ओनली बी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. Y इज इक्वल टू C+I सारे लेवल ऑफ इनकम पे नहीं होता, बाकी सारी जगहों पे आपको Y इज इक्वल टू C+S लिखना है. इट इज ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट Y इज इक्वल टू C+I. ये मेन फॉर्मूलाज है जो हम इनकम डिटरमिनेशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में यूज करेंगे उनके न्यूमेरिकल्स करते हुए. ओके, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा है, हमको बोला गया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम K लिखते हैं. तो हम जहाँ पे भी इसको यूज करेंगे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह पे सिर्फ K लिखेंगे. भाई अब हमारे को तीन सिचुएशंस दी गई हैं.
पहला है व्हेन एमपीएस इज इक्वल टू 0.40, मतलब एमपीएस हमारे को दिया हुआ है 0.40। तो अगर आपको याद हो कि के इज इक्वल टू 1/MPS, हमने फॉर्मूला लिख लिया, जब हम 1/MPS तो हम ये वैल्यू यहाँ डालेंगे 1/0.40 आ गया, विच इज पॉइंट हटाया ऊपर दो जीरो रखे तो 100/40। हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर रहेगा 2.5, मतलब जब हमारा एमपीएस 0.40 है तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 है। जो अगला है वो है एमपीसी, हमारे को दिया हुआ 0.75। भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जब एमपीसी को हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/1 - MPC। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लिख लिया। याद रखेगा कि आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है, आपको टीचर को बताना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो कोई चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने 1/1 - MPC लिख लिया, एमपीसी हमारे को दिया 0.75, हमने 0.75 यहाँ डाल दिया, तो 1/1 - 0.75 हमारे पास आ गया 1/0.25। हमने पॉइंट हटाया, दो जीरो ऊपर चला गया, 100/25 4, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो आ गया 4 का, जो हमारा एमपीसी 0.75 है। जो थर्ड है वो है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हल्का सा ट्रिक यूज करी गई है, लिखा गया व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। भाई आप लोगों को ये मालूम है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों बराबर, जब दोनों का समेशन 1 है तो इसका मतलब है, और दोनों बराबर भी हैं, एमपीसी एमपीएस के बराबर भी है और दोनों का समेशन 1 है। सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कि दोनों बराबर भी हो और उन दोनों को टोटल करेंगे तो उनका सम 1 है। तो इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.50 + 0.50 = 1। सपोज मैं एमपीसी को 0.60 लेता तो हमारा एमपीएस हो जाता 0.40। दोनों बराबर नहीं, सम जरूर 1 हो रहा है पर दोनों बराबर नहीं, मतलब यहाँ पे ये सूट नहीं करता। तो अब सिर्फ एक ही सिचुएशन है यहाँ पे कि दोनों की वैल्यू आ गई 0.50 + 0.50 = 1। आप एमपीएस या एमपीसी किसी से भी आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एमपीएस यूज करा, के इज इक्वल टू 1/MPS, एमपीएस हमारा 0.50, 1/0.50 हमारा आ गया 2। जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिएगा। इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इनकम जो है उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है, 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारे को एमपीसी एंड एमपीएस निकालने के लिए बोला गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, सपोज हमने एज्यूम करा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लेट डेल्टा आई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बी एक्स, हमने इसको ले लिया एक्स, तो इनकम हमारी कितनी बढ़ी 4 टाइम्स, तो हमारा इनकम डेल्टा वाई होगा 4x। जब हम इस वैल्यू को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में डालेंगे 4x/x, हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4, हमने क्या करा, हम इससे या एमपीसी निकाल सकते हैं एमपीएस निकाल सकते हैं, हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूला में इस वैल्यू को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज करा के इज इक्वल टू 1/MPS, के की वैल्यू हमारी 4 है, 4 डाल दी इक्वल टू 1/MPS, और 4 इफ एमपीएस यहाँ चला गया 4MPS इज इक्वल टू 1, एमपीएस यहाँ रह गया 4 नीचे चला गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25। भाई अगर हमारे पास एमपीएस आ जाता है तो 1 - MPS हमारे पास एमपीसी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एमपीसी और एमपीएस दोनों को निकाल सकते हैं। अच्छा, इनकम डिटरमिनेशन का जो अगला एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे वो है हमारा, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ, मतलब जो भी इनकम बढ़ी उसका 60% हमने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। इफ 4, मैंने क्रोस को ब्रैकेट में डाल लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं क्रोस यूज नहीं कर रहा, तो इफ 4 आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, जो अगर 4 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे गए, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग। आपको इंक्रीज इन इनकम हमारा क्या हो गया, इंक्रीज इनकम हो गया डेल्टा वाई एंड इंक्रीज इन सेविंग हो गया डेल्टा एस, तो आपको डेल्टा वाई एंड डेल्टा एस पे निकालना है। भाई अगर अब मैंने आपको बताया कि 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन का मतलब है कि जो 60/100 है 0.60 वो हमारे को यहाँ पे एमपीसी दे रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल में हमारे को एमपीसी दिया जा रहा है। अब हमारे पास अगर एमपीसी आ गया 0.60 तो हम उसे एमपीएस निकाल सकते हैं 0.40। अब हमने क्या करा, हमने इन वैल्यूज में से, इनमें से कोई सी भी वैल्यू को आप यूज करके आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। तो आपने क्या करा, 1/MPS
1/0.40 हमारे पास आ गया मल्टीप्लायर विच इज 2.5। भाई अब हमारे पास मल्टीप्लायर आ गया, के आ गया, हमको निकालना था डेल्टा वाई। तो या तो हम एक तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, के का फॉर्मूला लिखा हमने, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के हमारा आ गया 2.5, हमने वैल्यू डाल दी। डेल्टा वाई हमको निकालना है, हमारे पास अभी तक नहीं है। डेल्टा आई हमारे को दिया हुआ ये कि जो 4 करोड़ रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो ये डेल्टा आई है हमारे पास। तो हम जब इस फॉर्मूला में ये सब वैल्यू डालेंगे, हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा 10। 4 × 2.5 हमारे पास आ गया 10। भाई अब हमारे पास डेल्टा वाई आ गया, हमको निकालना है इंक्रीज इन सेविंग, डेल्टा एस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एम पी सी का फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। भाई एम पी सी हमारे पास है 0.6, हमने 0.6 लिख दिया। डेल्टा सी हमारे पास नहीं है, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। डेल्टा वाई हमारे पास 10 है, हमने 10 लिख दिया। 10 × 0.60 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन। और इसी तरीके से जैसे हमने चेंज इन कंजम्पशन निकाला है, उसी तरीके से हम चेंज इन सेविंग्स भी निकाल सकते हैं। हमने यूज करा फॉर्मूला एम पी एस का। भाई एम पी एस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एम पी एस हमारे पास है 0.40, डेल्टा एस हमारे पास है नहीं, हमको निकालना है। डेल्टा वाई हमने निकाल लिया 10। सो 0.40 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन 10। जब आप इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास इंक्रीज इन सेविंग आ जाएगा विच इज 4। इस तरीके से आप इन वैल्यूज को पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव लिखा जाता, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको एम पी एस दे रहा है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों अगला न्यूमेरिकल हमारा है, हमारे को दिया हुआ है इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दो टाइप की इनकम दी, एक तो दिया हुआ है एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 500 और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है वो 800 है। मतलब न्यूमेरिकल में हमको कहीं ना कहीं डेल्टा वाई दिया जा रहा है विच इज चेंज इन इनकम। मतलब अगर हम इकोनॉमी अभी यहाँ पर है और यहाँ तक जाना है, तो अगर आप इन दोनों इनकम का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई विच इज 300। अब आपको दिया हुआ इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, भाई जो भी इनकम बढ़ी, एडिशनल इनकम का मतलब है जो भी इनकम बढ़ी उसमें से 1/4 सेव कर लिया, इसका मतलब है वो हमारे को क्या दे रहा है, एम पी एस दे रहा है। हमने एम पी एस लिख लिया 1/4, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.25। जब अब हम इस 0.25 से इस एम पी एस की वैल्यू से हम के निकाल सकते हो। तो हमने फॉर्मूला लिखा के इज इक्वल टू 1/MPS, 1/0.25 इज इक्वल टू 4। हमारे पास आ गया मल्टीप्लायर, हमको निकालना है कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हमको निकालना है डेल्टा आई। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लायर की वैल्यू को यहाँ लिख दिया। डेल्टा वाई हमारे को दिया हुआ है, ये जो हमारे पास है डेल्टा वाई है, डेल्टा आई हमको निकालना है। सो 4 इज इक्वल टू 300 अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा आई ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, हमारे पास डेल्टा आई आ जाएगा 75। मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो हमको निकालने के लिए बोला गया वो हमारी 75 है। ओके बच्चों, अब हमारा अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये होगा इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000। 12,000 हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। द रेशियो ऑफ एम पी सी टू एम पी एस इज 3:1। मतलब जितना भी एम पी एस है, एम पी सी उससे 3 गुना बड़ा है। कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि हमारे को निकालना है डेल्टा आई रिक्वायर्ड टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000 crores। भाई 12,000 crore की इनकम है हमारे पास, 12,000 crore की हमको पहुंचना है 20,000 पे। मतलब अगर आप ध्यान से न्यूमेरिकल को देखते हैं, तो आपको डेल्टा वाई की वैल्यू दी जा रही है विच इज 20,000 माइनस 12,000, हमारे पास 8,000 डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब रेशियोज़ में वैल्यू दी जाती है, भाई एम पी सी टू एम पी एस का जो रेशियो 3:1 है, तो आप जो छोटी वाली वैल्यू है, सपोज हमने एज्यूम करा एम पी सी बड़ा है, क्योंकि एम पी सी एम पी एस से 3 गुना बड़ा है, हमने एम पी एस को एज्यूम करा एक्स, तो एम पी सी एम पी एस से 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब है एम पी सी हो जाएगा हमारा 3x। अब हमारे को ये बात पता है कि एम पी सी और एम पी एस को जब हम प्लस करते हैं, एम पी सी प्लस एम पी एस को प्लस करते हैं, हमारे पास आता है 1। एम पी एस हमने लिया एक्स, एम पी सी हमारा हो गया 3x, एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, हमारे पास आ जाएगा 0.25। मतलब
ये जो x है, जो MPS की वैल्यू हमने अज्यूम करी थी, वो हमारे पास आ गई 0.25। अब हमको ये बात पता है कि MPC और MPS को प्लस करने से 1 आता है, तो हमने इस MPS की वैल्यू को माइनस करा 1 से, हमारे पास आ जाएगा MPC विच इज 0.75। भाई हमारे पास MPS आ गया 0.25, MPC आ गया 0.75। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सी भी वैल्यू को हम k के फॉर्मूला में रखेंगे। तो मैंने क्या करा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, MPS 0.25 है, मैंने वैल्यू रख दी, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास मल्टीप्लायर भी आ गया 4। हमको बोला गया है कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई निकालने के लिए बोला गया है। तो अब मैंने के का दूसरा फॉर्मूला लिखा, वो है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के हम निकाल चुके हैं 4, तो के की जगह 4 लिख दिया। डेल्टा वाई हमारे पास है 20,000 माइनस 12,000 8,000, डेल्टा वाई 8,000 लिख दिया। डेल्टा आई हमें निकालना है, तो डेल्टा आई ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया, डेल्टा आई हमारे पास आ जाएगा 8,000 अपॉन 4 2,000। इस तरीके से हम डेल्टा आई निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का है, क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 250 लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम बाय 1,000। मतलब 250 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, उसकी वजह से इनकम बढ़ी 1,000। कैलकुलेट एमपीसी, दूसरा निकालना एमपीएस, तीसरा चेंज इन कंजम्पशन, जिसको हम डेल्टा सी भी लिखते हैं। चेंज इन कंजम्पशन इज ऑल्सो रिटन एज डेल्टा सी, चेंज इन सेविंग एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको डेल्टा आई दिया हुआ 250, डेल्टा वाई हमारे पास है 1,000, तो हम इससे के निकाल सकते हैं। तो हमने पहले सबसे पहले क्या करा, हमने ये वैल्यूज डाल दी, डेल्टा आई 250, डेल्टा वाई 1,000। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सो 1,000 अपॉन 250 4, हमारे पास मल्टीप्लायर आ गया, तो हमारा अब ये निकल गया। हमारे को अगला जो हम निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं एमपीसी। मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो अब हमारे पास मल्टीप्लायर निकल गया 4, हम क्या करेंगे, इस के की जगह पे हमने 4 लिख दिया, अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये 1 माइनस एमपीसी इधर चला गया, तो इट विल बिकम 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, और 4 इधर चला गया, -4 एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 4, और -MPC = -3/4, और 0.75 हमारे पास MPC आ गया 0.75। अगर हमारे पास MPC आ गया 0.75, अगर हम इसकी वैल्यू को 1 से माइनस करते हैं, हमारे पास MPS आ जाएगा 0.25। अब जो हमारे पास MPC आ गया 0.75, MPS आ गया 0.25, अब हम इनकी हेल्प से हम चेंज इन कंजम्पशन जो हमारे को यहाँ पर निकालना है, और चेंज इन सेविंग जो हमें ये निकालना है, हम ये निकाल सकते हैं। हमने MPC का फॉर्मूला लिखा है, MPC होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPC हम निकाल चुके हैं 0.75, डेल्टा सी हमें निकालना है। डेल्टा वाई हमारे पास है ये रहा, जो इनकम बढ़ी थी, इंक्रीज इनकम बढ़ी थी, वो हमारा डेल्टा वाई है। जब हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे, हमारे पास डेल्टा सी की वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी 750। इसी तरीके से हम MPS से डेल्टा एस निकाल सकते हैं। हमने MPS हमारा था 0.25, डेल्टा एस हमें नहीं पता, तो हमें निकालना है डेल्टा वाई 1,000 है, 1,000 × 0.25 हमारे पास डेल्टा एस आ जाएगा चेंज इन सेविंग। और इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे को थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज करके दिया जा रहा है। हमारे को दिया हुआ है गिवन कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू 100 + 0.75 y। भाई जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस देखी होंगी, उसमें हम आपको पता होगा कि हम कंजम्पशन को ऐसे भी लिखते हैं C⁻ + BY। तो उन्होंने क्या करके यहाँ पे C⁻ + BY की जगह पर उन्होंने वैल्यूज दे दी, तो C⁻ + BY ये रहा। आई हमारे को दिया हुआ 1,000। भाई अब हम लोगों को ये पता है कि इकोनॉमी का जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है, तो वहाँ पे y इज इक्वल टू C+I होता है। तो हमने क्या करा, ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तभी आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको पहले ये लिखना है y इज इक्वल टू C+I। हमारे को निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे है, तो हमारे को पहले हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम वाई भी लिखते हैं। हमने क्या करा, पहले फॉर्मूला लिख लिया y = C+I। सी हमारे पास दिया हुआ ये रहा, ये हमारा सी है, और आई दिया हुआ 1,000, ये हमारा आई है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, भाई 100 + 1,000 हमारे पास आ गया 1,100, 0.75 हमने एज इट इज छोड़ दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो 0.75 y है, ये इस तरफ चला गया, ये y 1 y को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 1,100। ये 1,100
जब हम 1y में से 0.75 माइनस करते हैं हमारे पास आएगा 0.25y इज इक्वल टू 1100 और y यहाँ रह गया 0.25 नीचे चला गया। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4400। ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हमारे पास ये आ गया। अब हम इस वैल्यू को इस फंक्शन में डालेंगे यहाँ पर तो हमारे पास सी आ जाएगा। हमने क्या करा, सी को पूरा लिखा, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, ये वाला वैल्यू। अब हम सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y की जगह पर हमने लिख लिया 4400 क्योंकि हम निकाल चुके हैं। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं 0.75 इंटू 4400 हमारे पास आ जाएगा 3300 प्लस 100, आंसर विल बी 3400। ये हमारा आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच इज 3400। अब हमारे को दिया हुआ है हमारे को जो न्यूमेरिकल है वो हमारा है गिवन सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.25y। ये हमारा सेविंग फंक्शन है हम, और इकोनॉमिक का जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ 2000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे को दिया हुआ है, बोला गया कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमको आई निकालना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार निकालना है एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है भाई। अब हमारे को अगर हम इस सेविंग फंक्शन को यूज करते हैं, हमारे को वाई दिया हुआ 2000, तो हमने क्या करा 2000 को इस y की जगह पे डाल देंगे। तो हमने पहले पूरा सेविंग फंक्शन लिखा, y की जगह पे 2000 डाला। जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे माइनस 200 प्लस ये आ जाएगा हमारा 500, आंसर आ जाएगा 300। ये हमारा सेविंग है, सेविंग हमारा 300 आ गया। अब जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस देखी हुई हैं हमें मालूम है कि हम जो भी अर्न करते हैं वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होता है, मतलब y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी इनकम में से अपनी सेविंग माइनस करेंगे तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगा। इनकम हमारी है 2000, सेविंग हमारा है 300, कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगा 1700 भाई। अब जो सेकंड पॉइंट हमको निकालने के लिए बोला गया वो क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार निकालना है। अब हम कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे पूरा, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी हमने निकाल लिया 1700, सी बार हमें निकालना है बी। अगर आप ध्यान से देखिए जो सेविंग फंक्शन उसमें ये हमारा होता है एमपीएस, अगर यहाँ एस लिखा है तो हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे दी है वो एमपीएस है। इसका मतलब है अगर 0.25 एमपीएस है तो एमपीसी हो जाएगा 1 माइनस 0.25 विच इज 0.75, ये हमारा एमपीसी आ गया। सो बी की जगह पे हमने 0.75 लिख दिया, बी हमारा एमपीसी होता है। वाई हमारे पास है 2000, हमने 2000 लिख दिया। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1700 इज इक्वल टू सी बार, हमने एज इट इज लिख दिया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1500 आएगा, तो सी बार इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, अगर आप ध्यान से सेविंग फंक्शन को देखते हैं तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये सी बार है, क्योंकि ये डिसेविंग जो होती है वो होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। तो आप अगर चाहें तो सी बार को आप एज इट इज भी उतार सकते हैं, जो भी फिगर यहाँ दिया हुआ है वो प्लस में हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगा। अब हमारे को जो थर्ड पॉइंट निकालना है वो निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई हमारे को सेविंग फंक्शन में ये जो वैल्यू एमपीएस दिया हुआ है हम इसको यूज करके के इज इक्वल टू 1/MPS, एमपीएस की जगह पर हमने लिख दिया 0.25। सो 1/0.25 पॉइंट हट गया, ऊपर 20 आ गए, 100/25 इज इक्वल टू 4, ये हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे को दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू माइनस 500 प्लस 0.25y और हमारे को दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। हमको निकालना का यहाँ पर कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग विल बिकम जीरो, वो लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे हमारी सेविंग जीरो हो जाती है, और दूसरा लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। भाई हमें सेविंग फंक्शन दिए माइनस 500 प्लस 0.25y, हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब हमें निकालना जीरो लेवल ऑफ, जब सेविंग हमारी जीरो होती है तो इनकम लेवल क्या है, तो हमने क्या करा सेविंग की जगह पे जीरो लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा ये माइनस 500 है, ये इधर चला गया 500 हो गया, 500 इज इक्वल टू 0.25y और y इज इक्वल टू 500/0.25, पॉइंट हट गया, 20 ऊपर लग गए, हमारे पास इनकम लेवल आ जाएगा 2000। ठीक है, ये हमारी आ गई इनकम लेवल जबकि सेविंग हमारी जीरो होती है। जो दूसरा हमें कैलकुलेशन करना है वो लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। अगर आपको याद हो हमने जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम करा था तो उसमें हमने दो अप्रोचेस ली थी, एक था AD एंड AS अप्रोच,
जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, और जो दूसरी अप्रोच थी जहाँ पे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, मतलब एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हमने ये लिख दिया एस इज इक्वल टू आई, एस हमारे को दिया हुआ है 500 प्लस 0.25, आई हमारे पास है 100। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे हमारा माइनस 500 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 100 प्लस 500, 0.25 इज इक्वल टू 600, पॉइंट हट गया ऊपर आ गया 60,000। जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2400 इज द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब हमारे को जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 5000, और हमारे को सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ 250, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ 1000, और हमको बोला गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज सी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमको निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दूसरा हमारा एनपीएस निकालना है, तीसरा सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इस तरह के न्यूमेरिकल करने हो तो उसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे, हम बोले लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। भाई ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो हमने क्या करा वाई लिख दिया 5000, आई हमारे पास है 1000, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा 4000। हमारे पास जो पहला पॉइंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हमारे पास आ गया 4000। अब हमारे को निकालने के लिए बोला गया है अब इनकी इस कंजम्पशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा पूरा कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया, कैसे लिखते हैं सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इसमें कंजम्पशन की वैल्यू हमने निकाली 4000, ये हमारे पास 4000 आ गया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारे पास दिया हुआ 250, बी हमारे को दिया नहीं हुआ हमें निकालना है, एंड वाई हमारे पास है 5000। तो जब हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ डालेंगे हमारे पास आ जाएगा 4000, ये 250 इधर चला गया, 4000 माइनस 250 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गया 5000 बी, और 3750 इज इक्वल टू 5000 बी, बी इज इक्वल टू 3750 अपॉन 5000। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास बी आ जाएगा 0.75। अगर आप लोगों को याद हो बी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं, सो बी इज इक्वल टू एमपीसी। अब एमपीसी हमारे पास 0.75 है, अगर हम एम पी सी की वैल्यू को 1 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास एम पी एस आता है, विच इज एम पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी विच इज 1 माइनस 0.75 विच इज 0.25। तरीके से हम ये पहली जो दो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लिया हमने एम पी एस निकाल लिया, बट हम निकाल चुके हैं कंजम्पशन 4000, एम पी एस हम निकाल चुके हैं 0.25। अब हमारे को सेविंग फंक्शन निकालना है, तो सेविंग फंक्शन हमने लिख लिया जो हमें कंजम्पशन फंक्शन है पहले हमने वो लिख लिया सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। हम इस कंजम्पशन फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमें सेविंग फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई वन माइनस बी। भाई ये जो सी बार है ये सेविंग फंक्शन में माइनस सी बार के बराबर होता है, क्योंकि इसी ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से हमारी डिसेविंग होती है। तो हमारे को सिर्फ सेविंग फंक्शन निकालने के लिए बोला गया, हमारे को यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है। ये 250 हमारा हो गया, ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये वाला पार्ट, वाई हमें एज इट इज देखना है, एम पी सी हमारे पास था, अगर एम पी सी हमारा 0.75 है तो 1 माइनस 0.75 ये हमारा एम पी एस, तो हम इसको 1.1 माइनस 0.75 भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 250 प्लस वाई 0.25, ये 0.25 हमारा एल पी एस है, और इस तरीके से हम सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम एम पी एस से भी निकाल सकते हैं, एम पी सी से भी निकाल सकते हैं, हमारे को एम पी एस दिया 0.25। बहुत सिंपल, आप कोशिश ये करिएगा कि आपको जो भी वैल्यूज दी हैं आपको सबसे सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना है। आप जितना लंबा प्रोसेस को फॉलो करेंगे कोई भी चीज़ को निकालने के लिए उतना ही आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे जैसे हमारे को एम पी एस है तो हम सीधा के इज इक्वल टू 1/MPS लिखा 0.25 1/0.25, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके बच्चों, अब हमें निकालना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होता है जहाँ पे कि हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी और एस इज इक्वल टू जीरो। भाई जब आपने जो भी कमाया है आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी जो सेविंग है वो जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास जो सेविंग फंक्शन था वो हमारे पास था एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई वन माइनस बी,
अगर आपको याद हो माइनस सी बार हमारे पास था 250 जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से था, वाई हमें निकालना है, बी हमारे पास निकला था 0.75, तो 1 माइनस 0.75 हमारे पास आ जाएगा 250 = 0.25 है, मतलब ये जो माइनस 25 है 250 है यहाँ चला गया, तो 250 = 0.25 है, y = 250/0.25, आपने पॉइंट हटाया, दो जीरो पर लगा दिए, आप जब कैलकुलेट करेंगे आपके पास इनकम लेवल आ जाएगा 1000, दैट इज आवर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है या सेविंग जीरो है। ओके बच्चों, एक ट्रिकी क्वेश्चन कई बार दिया जाता है, टीचर्स इसको बहुत देना पसंद करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, इंक्रीज इन इनकम विल बी 2 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहे हैं कि जब एमपीसी और एमपीएस बराबर है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहे, बट उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एमपीसी और एमपीएस बराबर है, तो इंक्रीज इन इनकम जो डेल्टा वाई है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से डबल होगा, मतलब जो भी डेल्टा आई हुआ है इन्वेस्टमेंट में बढ़त हुई है, इन डेल्टा वाई उसे डबल होगा। तो सपोज पहले हम इसको यूज करते हैं, हमने क्या लिखा एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस है, लेकिन एमपीसी और एमपीएस हमें ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1, और ये दोनों बराबर भी, और इनका जो समेशन है इक्वल टू 1 है, पर ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की वैल्यू एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0.50 0.50, तभी दोनों बराबर भी हैं और इन दोनों का एडिशन 1 होगा। तो हमने क्या करा, एमपीसी एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.50 0.50, हमने इसकी मदद से इसके इसको यूज करके हमने के निकाले, के होता है 1/MPS और 1/0.50, पॉइंट हट के ऊपर 2 0 आ गया, हमारे पास के की वैल्यू आ गई 2। भाई अब हमारे को बताना था कि अगर दोनों बराबर है तो डेल्टा वाई डेल्टा आई का डबल होगा, तो हमने ऐसे अज्यूम कर लिया डेल्टा आई भी एक्स, जो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है वो एक्स है, तो डेल्टा वाई हमारा हो गया 2x। अगर आपको याद हो के का एक फॉर्मूला और होता है विच इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, हम के को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी लिखते हैं, तो हमने क्या करा डेल्टा वाई की वैल्यू डाली 2x, डेल्टा आई हमारा एक्स है, जो आंसर हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है कि जब एमपीसी और एमपीएस बराबर होता है तो डेल्टा वाई विल बी ट्वाइस देन दैट ऑफ डेल्टा आई। अगला न्यूमेरिकल हमारे को दिया हुआ है, इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम हमारा हो गया डेल्टा वाई, ये हमारा हो गया डेल्टा वाई, इज 5 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा हो गया डेल्टा आई, इनकम इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज़्यादा बढ़ी, कैलकुलेट एमपीसी। अब हमारे को यहाँ पे कहीं पर भी कोई फिगर नहीं दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे को के की वैल्यू दी जा रही है, के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमारे पास अगर हमने एज्यूम करते हैं डेल्टा आई भी एक्स, हमने डेल्टा आई को एक्स ले लिया, तो हमारा डेल्टा आई हो जाएगा 5x, क्योंकि इंक्रीज इनकम इज 5 times, तो हमारा 5x हो गया। जब हम k का फॉर्मूला यूज करेंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई हमारा 5x है लिख लिया, डेल्टा आई हमारा x है, 5x अपॉन x, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। भाई k हमारे पास आ गया 5, अब हम इस k की वैल्यू को यूज करके एमपीएस निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, k इज इक्वल टू 1/MPS इज इक्वल टू 5 = 1/MPS, हमारा 5 नीचे चला गया, एमपीएस ऊपर आ गया, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1/5, हमारे पास आ गया एमपीएस 0.20। भाई अगर हमारे पास एमपीएस आ गया 0.20, जैसे कि हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, जब आप सारी वैल्यूज यहाँ डालोगे, एमपीसी निकालना है, एमपीएस हमारे पास 0.20 है, 1 - 0.20 हमारे पास 0.80 आ जाएगा, जो हमारा एमपीसी है। ओके बच्चों, इसी सीरीज में हमारा जो अगर न्यूमेरिकल है उसमें हमारे को वैल्यू दी हुई है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1250, एमपीएस हमारे को दिया हुआ 0.20। भाई अगर एमपीएस 0.20 है तो आप उससे एमपीसी निकाल सकते हैं, 1 - MPS इज इक्वल टू एमपीसी, तो हमारे पास एमपीसी आ जाएगा 0.80, हमारे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 150। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरी क्लास में कई बार बोल चुका हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आपको लिखना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई और y इज इक्वल टू सी बार प्लस पी वाई प्लस आई, हमने सारी वैल्यूज कॉपी कर दी, y हमारे पास है 1250, सी बार हमको निकालने के लिए बोला गया, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार हमको निकालने के लिए बोला गया, तो हमने एज इट इज लिख दिया। b हमारे पास है 0.80, b आ गया, इनकम हमारे पास है 1250, हमने कॉपी कर दिया, प्लस इन्वेस्टमेंट 150, हमने ये लिख दिया।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.80 इंटू 1250 आपके पास आएगा 1000, ये 150 एज इट इज उतार दिया। अब आपके पास इक्वेशन बन गई 1250 इज इक्वल टू सी बार प्लस 1150, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे 1150 आ गया। जब आप इनको यहाँ लेकर जाते हैं आपके पास सी बार की वैल्यू आ जाएगी 100। ये जो तरीका है आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीका है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसमें आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इन चारों में से कोई सी भी अगर वैल्यू मिसिंग है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे को निकालने के लिए बोला गया है। हमारे को दिया हुआ वैल्यू डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट 500, एमपीएस हमारे को दिया हुआ 0.2। भाई अगर और हमारे को निकालने के लिए बोला गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम के लिखते हैं एंड चेंज इन इनकम जिसको हम डेल्टा वाई लिखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे आप एमपीएस की हेल्प से आप के निकाल सकते हैं। के का फॉर्मूला है 1/MPS 1/0.2 और 5, हमारे पास मल्टीप्लायर आ गया। अब आप इस मल्टीप्लायर की हेल्प से आप जो चेंज इन इनकम है वो निकाल सकते हैं। भाई के का एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लिखते हैं के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू हमारे पास 5 है, हमने 5 लिख दी, डेल्टा आई हमको दिया हुआ 500, तो 500 आप इंटू 5 करेंगे आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा विच इन दिस केस इज 2500, एंड इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, बोर्ड्स में 2019 में एक क्वेश्चन आया था, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज सेविंग इज इक्वल टू -250 प्लस 0.25y एंड इन्वेस्टमेंट हमारे को दिया हुआ था 2000। हमको निकालने के लिए बोला गया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी एंड एग्रीगेट डिमांड एट इनकम लेवल ऑफ 5000। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, अब अगर आपको याद हो कि हमने जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी को डिटरमाइन किया था तो हमने दो अप्रोचेस यूज की थी। एक था एडी एंड एएस अप्रोच, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाता है उस पॉइंट पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। जो दूसरी अप्रोच थी वो थी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम कैसे लिखेंगे, फॉर एन इकोनॉमी टू बी इन इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हमारे पास सेविंग दिया हुआ है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमने एस का पूरा वैल्यू यहाँ लिख दी -250 प्लस 0.25y और आई हमने लिख दिया यहाँ पर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये -250 से चला गया 2250 एंड 0.25 नीचे चला गया, हमारे पास इनकम लेवल आ जाएगा 9000। ओके बच्चों, हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल लिया जो कि 9000 है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया एग्रीगेट डिमांड एट इनकम ऑफ 5000। ध्यान रखिएगा 5000 की इनकम पे हमको एग्रीगेट डिमांड निकालना है। तो हमने क्या करा, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सेविंग फंक्शन हमारा सेम है, हमने इनकम की वैल्यू को 5000 को हमने इस वाई की जगह पर लिख दिया। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा -250 प्लस 0.25 इंटू 5000, हमने मल्टीप्लाई करा 1250 प्लस -250, ये हमारे पास आ गया सेविंग। अब ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी में जब इक्विलिब्रियम होता है तो एस और आई बराबर होते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एस इज इक्वल टू आई। इसका मतलब है जब हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे जो कि जिसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, अब सी हमारे पास आ गया 4000, पर इनकम 5000 थी, सेविंग 1000 है, सो इनकम में से जब हम सेविंग माइनस करते हैं हमारे पास कंजम्पशन आता है जो हमारा आ गया 4000। हमने 4000 ये लिखा सी की जगह पे, इन्वेस्टमेंट हमने लिखा 1000, तो सी प्लस आई हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया। तो इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल गया। बच्चों, बोर्ड में क्वेश्चन और आया था 2019 बोर्ड्स में, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है इमेजिनरी इकोनॉमी, सेविंग इंक्रीजेस बाय 20 वेयर एज इनकम इंक्रीजेस बाय 100, सेविंग 20 बढ़ी इनकम 100 बढ़ी, कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन इनकम बाय 6000। इनके आगे क्रोर्स के फिगर लिखे लेकिन मैंने अभी वो ऑमिट कर दिए सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हमने क्या करा, सेविंग इंक्रीजेज, अगर बोर्डर सेविंग इंक्रीजेज इसका मतलब है वो हमें एमपीएस दे रहा है। तो जब आप एमपीएस निकालेंगे तो हमने क्या करा, हमें एमपीएस दे रहा है तो हमने क्या करा 20 डेल्टा एस आ गया 20, हमने 20 लिख दिया, डेल्टा वाई वेयर एज इनकम इंक्रीजेस बाय 100, ये हमारे को डेल्टा वाई दे रहा है, हमने डेल्टा वाई की वैल्यू लिख दी 100, 20/100 हमारे पास एमपीएस आ जाएगा 0.20। हमने इस एमपीएस की हेल्प से हमने के निकाल लिया,
के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस और 1 अपॉन 0.20 हमारे पास के आ जाएगा विच इज 5। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन का, क्या कहता है कि कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन इनकम बाय 6000। इसका मतलब है कि 6000 इंक्रीज इनकम अगर करनी है तो हमको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, मतलब डेल्टा आई पूछ रहा है और डेल्टा वाई वो यहाँ पर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, के हमारे पास आ गया, के का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमको दे दिया 6000, के हमने निकाल लिया 5 इज इक्वल टू 6000 अपॉन डेल्टा आई और डेल्टा यहाँ चला गया 5 यहाँ आ गया 1200 विल बी दी एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच इकोनॉमी नीड टू इनक्रीज इनकम बाय 6000 करोड़।